बल किसके फेवर में जा रही है। और एक चीज और बता देता हूं, याद रखिएगा, ये एक ट्रायल है, पायलट प्रोजेक्ट है। हो सकता है 2024 का इलेक्शन 100% इलेक्ट्रॉनिक हो जाए कि अपने आधार कार्ड, अपने व्हाट्सएप नंबर या अपने अकाउंट से ही जो है आप रजिस्टर करवा करके वोटिंग करिए। तो मीडिया पे आना पड़ेगा मित्रा जी, कहीं देश से निकाल दोगे क्या? साथ ही मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे मेरे मित्र भी हैं, एके मिश्रा साहब और राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विशेषक, और तमाम चुनाव को बहुत करीब से देख समझ और इनकी राजनीतिक भविष्यवाणियां जिसका मैं कायल हूं, पंडित जी की राजनीतिक भविष्यवाणियां भी सटीक बैठती हैं। लेकिन अब ये जो राजनीतिक पंडित है ना, इनकी भविष्यवाणियां भी गौर करने वाली होंगी, क्योंकि यहाँ नियम बदल गए। पहले नियम कुछ और था, अब नियम कुछ और है। और अगर यही नियम 15 जनवरी के बाद भी लागू रहा तो उसका असर क्या होगा। लेकिन एक के मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा आप तो राजनीतिक पंडित हैं, ये तो सब दावे करेंगे, जैसे आशु जी से मैंने पूछा कि नए नियम कोई असर डालेंगे, नहीं, कहूं उनका जीत पक्की है। आप दिल पे हाथ रख के भी कह रहे हैं कि जीत पक्की है, मैंने उनसे पूछा कि नए नियम असर डालेंगे, कह रहे नहीं जीत पक्की है, बस अखिलेश आ रहे। जैसे तिवारी जी ने कहा कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। हाँ, और प्रमुख साहब ने कहा कि ये तो हमारे लिए शुभ संकेत है, हम तो हर जगह तैयार हैं। लेकिन अब मिश्रा जी, ईमानदारी से, क्या वाकई नए नियम कोई असर नहीं डालेंगे? देखिए चावला जी, आपका प्रश्न बड़ा गंभीर है। बीजेपी, कांग्रेस इन सबको छोड़ी है। सबसे पहले तो मैं सारे पक्ष विपक्ष की पार्टियों को शुभकामना दूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व है, आप लोग अपना बेस्ट करिए और जीत की अग्रिम बधाई सारी पार्टियों। ये डिबेट जो आज हो रही है, इनफैक्ट ये डिबेट जो है 2 या 3 साल पहले होनी चाहिए, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था 2017 या 18 में कि 2019 का चुनाव तो मैं मोबाइल फोन से जीत लूंगा। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिए। मैंने उस वक्त अपने कई साथियों से बात की और मेरे कान तभी खड़े हो गए थे कि ये क्या होने वाला है इन कमिंग डेज, और वही चीज हुआ आज, इलेक्शन कमीशन ने लागू किया। फिर से बीजेपी ने अपने पाले में विपक्ष को फंसा लिया है। अब उसके एग्जाम्पल देखिए, ये नहीं, तो बीजेपी का क्या रोल? नहीं, सुनिए, वो ठीक है इलेक्शन कमीशन ने दिया, लेकिन गेंद जो है बीजेपी के फेवर में चली गई है, बॉल जो है बीजेपी के फेवर में चली गई है, और बीजेपी इस पे सीधे बाउंड्री के बाहर लगाएगी। मैं तथ्य देता हूँ, आप देखिए, एक से डेढ़ साल तक विपक्ष ने, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने मीडिया का बाइकआउट करके रखा। आज ये पता नहीं क्यों मीडिया पे आके बैठने लगे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है। दूसरा एग्जाम्पल, 2-3 दिन पहले हमारे अखिलेश भैया का, जिनको व्यक्तिगत मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनका बयान आया कि जी हम तो सोशल मीडिया के लिए तैयार नहीं है, शायद आज ही आया था, इलेक्शन कमीशन से वो सब्सिडी मांग रहे थे। सब्सिडी मतलब उन्होंने सरकार में, अपनी सरकार में खूब सब्सिडियां बांटी हैं एक धर्म विशेष के लोगों को, तो वो सब्सिडी जीवी भी हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन से सब्सिडी मांग रहे थे भीख मांग रहे थे कि हमारे लिए स्पेशल स्पेस जो है मीडिया में दिया जाए, सबको बांट दिया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। इसके रिजल्ट नहीं, भीख नहीं, नहीं, ना ना, भीख क्या, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अरे वो गिड़गिड़ा रहे थे, वो राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल अपनी बात नहीं रखेगा, कोई इतना गिरा, देखिए बात रखना दूसरी चीज होती है, उन्होंने एक बात रखा था और बड़ा मजेदार तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से रखा था कि भगवान श्री कृष्ण कल रात को मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला आपकी सरकार बन रही है, आशीर्वाद दिया, और दूसरे दिन वो एकदम मरे हुए हालत में, जैसे दीनहीन हो के इलेक्शन कमीशन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए, सब विपक्ष के लोगों के लिए टाइम स्लॉट दे दीजिए। अरे ये फायदे का सौदा किसके लिए है? ये नया नियम मुझे इतना बताइए जितना मैं समझ पा रहा हूँ मिश्रा जी। अरे वन साइडेड, ये वन, देखिए किसी को हजम हो या ना हो, कोई हजम करना या ना करना चाहे या ना करना चाहे, वन साइडेड है। सोशल मीडिया की टीम तो बसपा में कभी रही ही नहीं है, बसपा के कई प्रवक्ता मेरे मित्र हैं, बोलते हैं भांजी इस पे विश्वास नहीं करती हैं।
तो इन लोगों को तो एबीसीडी नहीं आती है, सोशल मीडिया के लिए ये तैयार नहीं है, और 10 दिन के बाद वोटिंग होना है, इनको तो लड़के नहीं मिलेंगे इनकी पिक्चर खींच करके डालने के लिए। तो ओवरऑल जो मैंने 3-4 प्रमाण दिए हैं, आप वो देखिए कि गेंद किसके फेवर में जा रही है, बॉल किसके फेवर में जा रही है। और एक चीज और बता देता हूँ, याद रखिएगा, ये एक ट्रायल है, पायलट प्रोजेक्ट है। हो सकता है 2024 का इलेक्शन 100% इलेक्ट्रॉनिक हो जाए कि अपने आधार कार्ड, अपने व्हाट्सएप नंबर या अपने अकाउंट से ही जो है आप रजिस्टर करवा करके वोटिंग करिए। 2017-18 का मुझे वो वक्त आज भी याद है जब प्रधानमंत्री मिश्रा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। ओके आशु जी, अपनी बात रखिए, फिर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। मोबाइल से जीत लूंगा विपक्ष जी, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस तरीके से नहीं बोले। हमने सम्मान से बोला मिश्रा जी, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग न करें। मैंने ये भी बोला कि व्यक्तिगत में उनको बहुत पसंद करता हूं। नहीं नहीं, आप अपने अपनी वाणी को विराम दें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। माननीय जी, हम आपकी बहुत कदर कर रहे हैं, इस तरीके से उनके लिए मत बोलो आप। और ना वो भीख मांग रहे, पब्लिक का खुद मन है, पब्लिक का और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल दें। नहीं नहीं आशु जी, मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। आशु जी सुनने की क्षमता रखिए, प्रमुख से आप प्रमुख से एक सेकंड, प्रमुख से आशु जी मुद्दे पे आइए, फिर मैं तिवारी जी के पास आऊंगा। आशु जी मुझे इतना बताइए ना, पब्लिक नहीं, मुझे इतना बताइए, आप कह रहे हैं नए नियम से कोई 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 हमें नुकसान नहीं होने वाला, कुछ नहीं है। मिश्रा ने कही वो गलत है, जीत रहे हैं, पब्लिक जिता रही है, पब्लिक हमें चाह रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार चाह रही है। थोड़ी देर पहले ये भी बोल रहे थे ना, फिर वही वाली बात बोल रहे हैं। मिश्रा जी मैं कह रहा हूँ, नए नियम जो लागू हुए हैं, आपने खुद ही विरोध किया ना कि वर्चुअली रैली को लेकर। हमें कोई विरोध नहीं है, हम तो मान रहे हैं, जो भी हमारे चुनाव आयोग ने इसका वो करा, उसका समर्थन कर रहे हैं हम, जो भी इन्होंने नियम लागू करे हमारे सर माथे पर है। अब तो मीडिया पे आना पड़ेगा, मीडिया इसे सच्चाई दिखा रही है, जो मीडिया दलाल ही ना, जो मीडिया बिकी हुई थी मोदी जी की, उस मीडिया का आज भी विरोध करते हैं हम। हमने चैनल देखना बंद कर दिया, तिलक जी सच्चाई दिखाते हैं, मीडिया जो बीजेपी ने खरीद ली, तिलक जी सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई एक्सेप्ट करो, इसलिए बैठे हैं। ये तो बीजेपी के चैनल बिके हुए, उनका विरोध करते हैं, उनका विरोध आज भी करते हैं, गुरु जी भारतीय जनता पार्टी की बोली नहीं बोले, इसका जवाब 2022 में मिल जाएगा आपको, तुम्हारे कहने से। 2022 में मिश्रा जी को इस देश से निकाल दोगे क्या? मिश्रा जी को इस देश से निकाल दोगे क्या? अरे आतिक अहमद वाली भाषा भी नहीं भूल पाए आप लोग। प्रमुख साहब एक मिनट आशु जी एक सेकंड, कि दम्भ तो रावण का नहीं रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दम्भ में फूले हुए हैं। मैंने उदाहरण गलत दिया, तिवारी जी कह रहे हैं कि 1977 का दौर याद करिए, अपने घर की बात बता रहे, अच्छी बात, अपने घर की बात बता रहा हूँ। हाँ, मैं याद दिला रहा हूँ, तिवारी जी आप दूसरे ब्राह्मण को सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। एके मिश्रा जी जल्दी बात रखिए, फिर प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूँ। ओके एके मिश्रा जी बात रखिए, फिर प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूँ। देखिए चावला जी, मैं मुद्दे की बात करता हूँ, अगर इस फैक्टर को माइनस कर दिया जाए कि पब्लिक रैली आप नहीं कर सकते हैं, ग्राउंड जीरो पे धरातल पे आप काम कर दिया, अगर इस फैक्टर को मान लिया जाए कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही अब आपको मुखातिब करना पड़ेगा जनता को, तो सीधे सीधे सारे लोगों से बोल लीजिए या पैरामीटर पे आप अनाउंस कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया में सबसे स्ट्रांग पार्टी कौन सी है, सबसे ज्यादा किसके पास इसके बैरियर्स है, सैनिक है, योद्धा है। तो बात तो ये देखिए, मेरे लिए तो ये दूध और पानी का पानी है, आज नहीं, भाई तो फेक न्यूज फैलाने वाले भी तो है ना। जब प्रधानमंत्री खुलकर बोलो ना, खुलकर बोलो ना, वो व्हाट्सएप की लस्सी चलाने वाले भी तो बहुत है, खुश होने का, खुलकर बोलो ना एके मिश्रा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी तो बहुत कुछ पढ़े लिखे है ना, और किस पार्टी में जा रहे हैं वो भी आप जानते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले है कि नहीं। ओके
मैंने आपको तिलक जी रोके इनको नहीं होना चाहिए। ये जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था हुए थे दिल में। क्या बात करेंगे ये क्या बात करेंगे? जब जब परिस्थिति इनकी विपरीत होती है ये गाय गंगा गोबर की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तिवारी जी आप की बात को शांति, ये हिंदू मुसलमान चलने वाली नहीं है। जब जब परिस्थिति इनकी विपरीत होती है ये गाय गंगा गोबर की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तिवारी जी आप की बात को मुसलमान शांति, ये हिंदू मुसलमान चलने वाली नहीं है। तिवारी जी और ये सोशल मीडिया, तिलक जी याद रखिएगा इंतजार करिए चुनाव के परिणाम की। जनता इनको वो सबक सिखाएगी जिससे ये भूल जाएंगे ये जुमलेबाजी करते हैं। हो गया तिवारी जी, ओके ओके, इतने दंभ में चूर हो गए। ये जुमला चलने वाला नहीं है, ये जुमलाबाजी अब चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है आपकी स्थिति देश की। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, नंगी तस्वीर से चाहूंगा, आपकी चुनावी रैली बंद करिए। चुनाव की घोषणा हुई है और तिवारी जी बात है कि रैलियों पर रोक लगाइए। दोनों की ऑडियो नीचे। तिवारी जी ऑडियो नीचे हो गया। आप प्रमुख साहब आपका भी ऑडियो नीचे हो गया। ये चुनावी रैली साहब रोक लगाइए, चुनाव आयोग ने चुनावी रैली यही करोगे क्या? एके मिश्रा, अब मैं तिवारी जी के पॉइंट को आगे लेकर जा। नहीं, बीच में इन्होंने टोका है। तिवारी इन्होंने टोका है बीच में। ओके, मैंने टोका, मेरे से गलती होगी, मैंने टोका, बस अब खत्म करिए बात। तिवारी जी रुक जाइए। मिश्रा जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे। जो बात तिवारी जी कह रहे हैं, देखिए एक एक बयान पर आप जानते हैं पूरा का पूरा चुनाव का समीकरण बदलते हुए मैंने देखा। एक एक बयान पर उदाहरण के साथ आपको बता सकता हूँ, एक एक बयान ऐसा रहा जिसपे चुनाव का पूरा माहौल बदल गया। क्या वाकई मुद्दे भी बदलेंगे? जिसका जिक्र बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि तिवारी जी कह रहे हैं कि गाय गोबर, राम मंदिर, ये तमाम मुद्दे उठाती है बीजेपी। क्या वाकई मुद्दे भी बदलेंगे इस नए गेम प्लान से? चावला जी, मुझे लगता है आज तिवारी जी डिबेट के पहले हनुमान चालीसा पढ़ के बैठे हैं और प्रमुख जी हनुमानास्त्र क्या हनुमान बाहु का पाठ करके बैठे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं आप मेरे लिए तो दोनों पूजनीय हैं, दोनों ही पूजनीय हैं गुरुजी। दोनों लोग उम्र में बड़े हैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, थोड़ा इनलाइटेड वे में किया है। देखिए मुद्दे की बात ये है, मैं आपको बताऊं, बेसिक जो मुद्दे हैं वो तो अभी नहीं, 500 हजार साल से सेम रहे हैं। वो ये है रोटी कपड़ा मकान बेरोजगारी। आप मुझे, चलिए हम आजाद भारत की बात करते हैं, ऐसा कौन सा इलेक्शन हुआ है जिसमें बेरोजगारी मुद्दा ना रहा हो, महंगाई मुद्दा ना रहा हो, नौकरी रोजगार ये सब मुद्दे ना रहे हो? बेसिक जो है वो रहे हैं और छद्म तरीके से कहीं ना कहीं रिलीजन का भी यूज किया जा रहा है। और रही बात, देखिए मैं आपको बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ, ना तो बीजेपी ना आरएसएस के कारण मैं सनातनी या हिंदू हूँ, तो बीजेपी और आरएसएस के कारण नहीं हूँ, उसके पहले भी हम, मैं और मेरा परिवार और बहुत सारे लोग हिंदू थे, सनातनी थे। अगर हम हिंदू हैं और हम सनातनी हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम गाय गोबर और गंगा की बात करते हैं, गंगा जल से आचमन करते हैं और हर चीज, तो पॉलिटिक्स में गाय गोबर गंगा का बात करना टैबू क्यों समझा जाता है या घृणित क्यों समझा जाता है? क्यों ना बात किया जाए भाई, आप मुझे बताइए, क्यों शर्माती है, क्यों रोकते हैं कि पॉलिटिक्स में बात ना किया जाए? आप मुझसे या अपने आप से अपने धर्म को, यहाँ की चीजों को अलग नहीं कर सकते। कल बोलेंगे आप हिमालय पर्वत की बात मत करिए, भारत खंड की बात मत करिए, सरस्वती की बात मत करिए, वेदों की, ये सारी चीजें जो मानव जीवन से जुड़ी है वो चुनाव से और पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई है। हर आदमी कोई, देखिए एक चीज बता दूं बहुत फ्रेंकली, कोई भी आदमी ए पॉलिटिकल नहीं हो सकता है, गैर राजनीतिक नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ अंश में राजनीति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और उसका झुकाव रहता है, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे जो हो। तो मुद्दे तो वही रहेंगे बेसिक। अभी भी देखिए मुद्दे जाति पात के, बेरोजगारी के, ये सब चीजें जो है 7-8 मुद्दे हैं वो रहेंगे, वो यूनिवर्सल मुद्दे हैं। अमेरिका में भी वही मुद्दे होते हैं, यहाँ पे भी वही मुद्दे हैं। नया मुद्दा किसी को मिले तो मुझे बताइए।
क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक मुद्दे के आधार पर, एक बयान के आधार पर भी पूरा का पूरा चुनाव पलट जाता है? साहब बिल्कुल लगता है। और आपकी मणिशंकर अय्यर का बयान ले लीजिए, जो उन्होंने बोला था गुजरात का हारा हुआ इलेक्शन। मैं आपको बताता हूँ, 5000 साल पहले द्रौपदी ने एक बयान दिया था राजसूय यज्ञ में, जब दुर्योधन गया था रंग महल में, तो पानी की जगह थल और थल की जगह जल वो देख रहा था। तो वहां पे क्या हुआ था कि उसने बोला था अंधे का पुत्र अंधा, एक हिस्टोरिक बयान है, ऐतिहासिक बयान, पूरी राजनीति हुई और महाभारत हो गया। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या लेंगे, रामायण से। चाणक्य जब दरबार में गया था घनानंद के, तो घनानंद ने एक बयान दिया था ब्राह्मण को लेकर के कि कुछ स्वर्ण मुद्राएं लो, भिक्षा लो और चलो निकलो यहाँ से। उस बयान के कारण भारतवर्ष की तकदीर बदल गई थी, चाणक्य ने क्या से क्या कर दिया। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, एक मुद्दे से वाकई में देश की तकदीर बदल जाती है। चुनाव का परिणाम तो छोड़ दीजिए। ओके, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अब मैं